आऊंगा मैं, रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगा। इधर इधर अब इधर देखिए, अब रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो रजिस्टर फॉर्म खुल गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अच्छा यहाँ पे नेम लिखना है @gmail.com 1 2 3 4 5 6। अब रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, रजिस्टर सक्सेस हो गया। ये तो गायब ही हो गया यार, चलो अच्छा। और फिर से मैं वही ईमेल से रजिस्टर करता हूँ, @gmail.com 1 2 3 4 5 6। अब मैं जब रजिस्टर करूँगा तो ये लिख रहा है फेल्ड और नीचे कुछ एरर आ रहा है। वही वही मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई, यार है ना डुप्लीकेट एंट्री का मैसेज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, वही दो चीजें करना है। ये जो फेल्ड लिख रहा है ना, ये फेल्ड क्यों लिख रहा है, इसका रीजन ये है कि जो हमारा इधर ईमेल है ना, ईमेल को हमने बना रखा है प्राइमरी की, और प्राइमरी की का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। तो प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू जो है इंसर्ट होगा, लेकिन जैसे ही जब डुप्लीकेट इंसर्ट होने लगा तो वो फेल हो गया और एरर फेल्ड का मैसेज आया। तो इसमें हमें क्या करना है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देना है, तब हम यूनिक यूजर को रजिस्टर कर पाएंगे। अब यूनिक रजिस्टर को जब रजिस्टर करना है ना, तो इसके कई तरीके हैं। या तो हम ये डेटा इंसर्ट करने से पहले चेक कर लें कि जी ये यूनिक है कि नहीं है। तो यूनिक यूजर को रजिस्टर करने के तरीके एक से ज्यादा हैं, लेकिन मैं वो तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ जो सबसे ईजी है आपके सामने। तो देखिए, प्राइमरी के है ईमेल। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब देखो यहाँ पे मैं टाइप दबाया, रजिस्टर पे मेरा फोकस आ गया है ना, एंटर दबाऊंगा तो रजिस्टर बटन क्लिक नहीं हो रहा है। हमें इस पे भी काम करना है अभी, तो लास्ट पे कर लेंगे इस पे भी। चलो कैंसिल किया मैं, अब मैं आऊंगा रजिस्टर डाओ पे, इसी पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे रजिस्टर डाओ ऑटोमेटिकली खुलेगा। यहाँ पे देखो ये वाला चला, यहाँ पे लिखा है ना प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो ये वाला मेथड कॉल हुआ तो इतना सारा एरर आया है। मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे डॉट गेट मैसेज करूंगा, डॉट गेट मैसेज है ना यहाँ पे, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर लूंगा। ये लो प्रिंट कर दिया यहाँ पे मैं। अब इसको मैं फिर से रन करूंगा और देखता हूं कि ये @gmail.com gmail.com कुछ नहीं किया हूं वहां पे। देखिए फेल्ड अभी भी आ रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी की। मैं क्या करूंगा ना, इतना तक कॉपी कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लिया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, कंडीशन लगाऊंगा इफ मैसेज डॉट इक्वल, या कंटेंस में करता हूं, इक्वल के जगह पे कंटेन करता हूं, कंटेंस और कर दिया ये। मतलब कि इसका मतलब ये है, समझ पा रहे हो आप, गेट मैसेज क्या कर रहा है, मैसेज रिटर्न कर रहा है, उसी मैसेज को मैं कंटेन मेथड से चेक कर रहा हूं कि यदि उस मैसेज में डुप्लीकेट एंट्री जैसा कुछ कंटेन कर रहा है, मतलब उसमें मौजूद है डुप्लीकेट एंट्री जैसा कुछ टेक्स्ट, तब क्या करो, तब यहां पे ऐसे कर देंगे और यहां पे क्या रिटर्न कर दूंगा। अब यहां पे हम ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे, यहां पे मैं कर देता हूं 1, यहां पे मैं कर दूंगा 0, और यहां पे मैं रिटर्न कर दूंगा -1। -1 का मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है रिकॉर्ड, समझ रहे हो बात।
इंट कर दिया, ये प्रिंट नहीं करूंगा, ये तो मैं अभी प्रिंट किया हूं। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है बताओ। देखो मैं इसको लंबा चौड़ा लिखता हूँ, स्ट्रिंग एम एस जी माने मैसेज, मैसेज को मैंने यहां से कट किया और यहां पे मैं पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इफ एम एस जी डॉट कंटेन्स, एम एस जी पे मैं कंटेन मेथड चलाऊंगा। कंटेन क्या करता है कि यदि डुप्लीकेट एंट्री यदि कंटेन कर रहा है इसमें मैसेज में, देखो अगर एम एस जी के अंदर जो भी मैसेज है उसमें डुप्लीकेट एंट्री जैसा टेक्स्ट मैच कर रहा है तो रिटर्न कर दो ट्रू। इसका यही मतलब है इस लाइन का, समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? जैसे एम एस जी क्या रिटर्न किया हमें, प्राइमरी की रिटर्न किया ना, तो अब हम इसमें कंटेन मेथड चला रहे हैं। कंटेन मेथड क्या करता है कि यदि इन सभी टेक्स्ट में खोजेगा कि डुप्लीकेट एंट्री जैसा कुछ है क्या लिखा हुआ, तो इस पूरे मैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है ना डुप्लीकेट एंट्री, तो यदि यहाँ पे मैच हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा और ऐसे कर दूंगा यहाँ पे ऐसा, और रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे माइनस वन। और माइनस वन का मीनिंग मैं तो जान ही रहा हूं कि डुप्लीकेट एंट्री है। समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया समझ में? रन कर दे। अब इसको रन करने के लिए मुझे और भी कहीं कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा रजिस्टर में। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ और करना पड़ेगा, ये इफ को यहाँ पे गायब करके इंट में लिखना पड़ेगा एम एस जी, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करेगा ना। अब रिटर्न कर दिया ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, स्विच केस लगा लेता हूं मैं ऐसे, स्विच केस की में क्या पास कर देंगे हम, एम एस जी मैसेज, और वैल्यू में यदि एक है तो क्या रिटर्न कर दो, सक्सेस। यदि एक है मतलब सक्सेस हुआ, तो ये सक्सेस के लिए इतना सारा कोड था ना, मैं एक में डाल दूंगा यहां पे ऐसे, फिर ब्रेक कर दो। उसके बाद यदि केस में क्या है, यदि केस में जीरो आता है मतलब फेल्ड हो गया, तो इसको मैं पास कर दूंगा यहां ऐसे। यदि केस में आ जाता है माइनस वन तो कह देंगे हम ऑलरेडी एग्जिस्ट, माइनस वन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट। माइनस वन कर सकते हो या टू रख सकते हो, टू रख दे यहाँ पे, टू रख देते हैं चलो। तो ये निगेटिव वैल्यू जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है देख के थोड़ा सा, तो यहाँ पे चलो टू कर दिया मैं, हो गया कोई बात नहीं ऐसे। और ये जो तीन ठो बचा हुआ है इसको कर देंगे हम ऐसे, डिफॉल्ट जैसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, डिफॉल्ट रहने देंगे, क्या कर दें, डिफॉल्ट में भी कर देते हैं फेल्ड और क्या। और जहां पे टू मैच होगा ना, ये लो टू में मैं फेल्ड के जगह पे मैं क्या कर दूंगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, हो गया। इसको मैं बड़ा करता हूं ऐसे, यदि एक मतलब सक्सेस है तो सक्सेस होता है तो इतना कोड चलेगा, जीरो आता है मतलब फेल्ड हो गया, टू आता है मतलब यार ये लोग सब तुरंत है घंटी, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया और फिर फेल्ड मनी ये हो गया। रन कर दो प्रोग्राम, चलिए acament@gmail.com
ये कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गया। अब फील्ड भी आ रहा है मैसेज, फील्ड कहे आ रहा है क्योंकि केस टू के बाद हमने ब्रेक नहीं लगाया है इसलिए तो हमें ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे का सारा मैच करने लगेगा, नीचे अब खत्म हो गया तो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो हमने आज जो कोड लिखा है उसमें ये चेंजेस किया है, समझ में आ गया। अब आप ऐसा काम कर सकते हो ना, आप ये काम रुक जाओ भैया, अब क्या करोगे, ये जो यहाँ पे ज्यादा कोड लिखा दिख रहा है आप इसको चाहे तो मेथड में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर लोगे आप लोग, मैं ही करूंगा अब। अब कह रहा है कर दूंगा यहाँ पे क्रिएट मेथड, जैसे मैंने मेथड क्रिएट किया नीचे आ गया, ऐसे जा हो गया, सक्सेस का मेथड बन गया। तो यही इसका मीनिंग है, कुछ पूछना है तो बताओ। और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया मैंने, इसको ऐसा है। कीबोर्ड वाला बता दें, इंटर वाला यहाँ ये पूरा ही है, तो एक बार देख लेना आपके कोड में क्या है मेरे में क्या है। इसको आप चाहो तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंगल लाइन में कैसे होगा बता दूं करके, फोटो खींच लो तो बता रहा हूँ सिंगल लाइन में ये कैसे स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है, आप खींच लीजिए फोटो तो दिखा रहा हूँ। एक ही लोग कोई फोटो ग्रुप में भेज देना, एक नंबर आ गया सर, यदि डुप्लीकेट एंट्री है तो रिटर्न कर दो ट्रू, अन्यथा कर दो जीरो, ऐसे ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट बन के रेडी। जहां जरूरत पड़े आप यही कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब जीरो आएगा तो जीरो का मतलब तो ऑलरेडी फील्ड ही मानते हैं, और टू रिटर्न करेगा तो फिर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कंटेन अगर करता है डुप्लीकेट एंट्री, अगर ट्रू रिटर्न आया यहाँ पे तो रिटर्न कर दो टू, यदि ये रिटर्न करता है फाल्स तो रिटर्न कर दो जीरो। और रजिस्टर लिस्नर में मैं आया तो रजिस्टर लिस्नर में मैंने ये चेंजेस किया है, इतना सारा चेंजेस हुआ है, ये रजिस्टर लिस्नर में चेंजेस हुआ है। कीबोर्ड का बता दूं अभी, कीबोर्ड वाला कहाँ है सर, वाला ये रजिस्टर में भी तो मैंने कुछ चेंजेस किया था ना, वो यही वाला है, वो ग्रुप में है तो रजिस्टर उसके लिए आता है एक तो कीबोर्ड लिस्नर, उसके लिए क्या आएगा कीबोर्ड लिस्नर। तो मैं क्या करूंगा देखो, इधर रजिस्टर बटन पे हमें एंटर कराने पे करना था ना, ये तो लॉगिन वाला है, ये रजिस्टर डॉट जावा है, रजिस्टर फॉर्म है क्या, रजिस्टर लिसनर भी नहीं होगा सर लॉगिन करने के बाद। ये देखो मैं बता रहा हूँ, इसको आप करिए क्या कट, और इसको आई लाइए ऊपर सेमी कॉलन, हमें इसका जरूरत है इसीलिए हम इसको आ रहे, मतलब रजिस्टर लिसनर। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाके क्लिक कर दो, हो गया तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, तो हो गया रजिस्टर जो बटन है, रजिस्टर जो बटन है मतलब रजिस्टर बटन पे अभी क्या हो रहा था, एक्शन लिस्नर एडेड था जी, रजिस्टर बटन में एक्शन लिस्नर अभी ऐड था, इसका मतलब कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ काम होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर बटन पे जैसे ही मेरा फोकस आए तो की भी काम करे, तो ऐड की लिस्नर डालना पड़ेगा। ये देखो अब की लिस्नर को किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, की लिस्नर का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन की लिस्नर इंटरफेस है इसलिए हमें इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, किसका चाहिए इम्प्लीमेंटिंग क्लास का, जैसे इसको चाहिए था ना एक्शन
सर इस जैसे इसको एक्शन लिसनर का चाहिए था ऑब्जेक्ट जी, तो एक्शन लिसनर तो इंटरफेस है, तो उसके इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमने इसको दिया था। हम दूसरा की लिसनर नहीं बनाएंगे, मैं क्या करूंगा इसी लिसनर में, आप जानते हैं कि मल्टीपल इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे की लिसनर नाम का इंटरफेस यहीं पे ऐड कर दूंगा मैं। तो यही है की लिसनर, वहां पे भी तो की लिसनर यही वाला मांग रहा था ना, इंप्लीमेंट कर दिया। तो सर ये कहाँ है कि इंप्लीमेंट हो जाएगा? ये जावा के अंदर पहले से मौजूद है ये इंटरफेस, मैं दिखा रहा हूँ इधर, देखो आ गया ना की लिसनर, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्ट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इधर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड में क्लिक कर दिया, तो जैसे ही ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पर क्लिक किया तो ये देखो ये मेथड अपने आप आ गया, ये सब मेथड, ये सब मेथड कहाँ से आया, इंटरफेस से जो है आके यहाँ ओवर राइट हुआ है। जब आप की टाइप करने लगेंगे तब ये चलेगा, टाइप्ड में चलेगा, ये प्रेस में कॉल करेगा और ये रिलीज में कॉल करेगा। मैं प्रेस में कॉल करूंगा SOS या, और यहाँ पे E dot get key करता हूँ। ये देखो यहाँ पे कोड कैरेक्टर भी रिटर्न करेगा जो कैरेक्टर आप टाइप करेंगे, और ये क्या करेगा, मैं इसको कॉन्केटिनेट कर दूंगा, E dot get की कोड, मैं दोनों प्रिंट करता हूँ, देखना आप लोग हो गया। अब यहाँ पे नल के जगह पे मैं डाल दूंगा RL, समझ गए। तो ये सोर्स के साथ लिसनर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो इवेंट हमारा चलता है। तो हमारा सोर्स कौन सा है, रजिस्टर बटन, लिसनर कौन सा है, रजिस्टर बटन। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम, अब काम करेगा, आ गया रजिस्टर, टैप 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 दबाया, यहाँ पे आ गया ना। अब इस पे कर रहा हूँ मैं एंटर, यहाँ पे 10 आ रहा है, ये देखो 10 आ रहा है ना, जैसे मैं डी प्रेस किया, डी प्रेस कर रहा हूँ, देखो डी, यहाँ पे डी भी निकल रहा है, मतलब जो टाइप कर रहा हूँ, जैसे इधर इधर दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाला आ रहा है ना, तो जवन सा मैं कीबोर्ड से जो की प्रेस कर रहा हूँ वो रिटर्न कर रहा है डी, और इसका कोड जो है वो गेट की कोड में आ रहा है, तो 68 क्या है, डी का कोड है। जैसे मैं फिर क्या करूंगा, कैपिटल डी दबा रहा हूँ, आ रहा है ना, शिफ्ट दबा रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है यहाँ पे, और 16 आ रहा है, तो एंटर का क्या की वो की कोड है 10 है। अब मैं यहीं पे कंडीशन चेक कर लूंगा, इफ ऐसे की कोड डबल इक्वल टू 10, यदि 10 है तो क्या करो, तो यहाँ पे जो कोड लिखा है वही चेक कर दो, अगर 10 के बराबर है ये, तो इसको मैं ले लेता हूँ इधर से, रजिस्टर डॉट, ये रजिस्टर फॉर्म पे आएंगे, और बटन को मैं बनाऊंगा पब्लिक, पब्लिक बन गया। अब यहाँ पे मैं बटन एक्सेस कर सकता हूँ, तो रजिस्टर डॉट रजिस्टर बटन, ये रजिस्टर कौन है, फॉर्म है, और ये रजिस्टर कौन है, रजिस्टर बटन है, डॉट डू क्लिक कर दूंगा। ये देखो डू क्लिक मेथड पहले से बना बनाया है, मैंने नहीं बनाया, तो डू क्लिक मेथड जैसे ही कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लिक होगा 10, क्योंकि इंटर का की कोड 10 है, हमने मैच कर लिया। सर अगर 10 लिखेंगे तो कहाँ पे 10 लिखोगे, नहीं मतलब 10 दबा देंगे तो क्या होगा, 10 दबाओगे तो क्या होगा, ये एक आएगा और 0 आएगा, ये कैसा 10 थोड़े ना प्रिंट होगा, 10 दबा के क्या होने, एक बार ये दबेगा ना तो इसके लिए अलग चलेगा, इसके लिए अलग चलेगा, और क्या, एक कभी कोई कोड होगा। अब देखना एंटर मार रहा हूँ, 0 1 1 0, अब इसको मैं आप लोगों को बोला था करना, तो आप लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया है। अभी देखो एंटर दबाया तो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है ना, एंटर दबा रहा हूँ तो ये प्रेस हो रहा है, तो अब ये बटन के साथ भी काम कर रहा है, वैलिडेशन का कर लेंगे, बहुत बड़ी जरूरत है ना, तो आप लोग किए हैं, मैंने नहीं किया है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन
मैंने नहीं किया, आप लोग किए थे, आप लोग को मैं बोला था कि करना, फिर मैं बताऊंगा कि रेगुलर कैसे होगा, लेकिन मैंने नहीं बताया फिर, तो देखेंगे इसको लेटर। एक फोटो चाहो तो खींच लो इसका, ये मैंने ऐसे करा है, ये मैंने कोड किया है कीबोर्ड के लिए, ये टोटल कीबोर्ड वाले के लिए किया है। कीबोर्ड के लिए तो सिर्फ इतना ही है, वो तो ओवर राइट किया गया है मेथड इंटरफेस के लिए, इधर इम्प्लीमेंट ऐसा मैंने किया है, इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। रजिस्टर में क्या हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पब्लिक बनाया हूँ, इसको मैं पब्लिक बनाया बटन को, और उसके बाद रजिस्टर बटन के साथ रजिस्टर कर दिया की लिस्नर को, हो गया। इसको रोक देता हूँ, हल्ला क्यों हो रहा है, सन्नाटा छा हुआ है।